मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के ईद मनाने की बात पर कहा, हर विषय पर राजनीति ठीक नहीं है, लोगों की जान पहली प्राथमिकता है, सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। कुछ कांग्रेस नेताओं की बेतुकी टिप्पणियों पर मिश्रा ने कहा, सरकार निर्णय त्यौहार और धर्म के आधार पर नहीं लेती और जैसे त्यौहार मनाना है घर के अंदर मनाए, हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, जाति और त्यौहार देखकर बीमारी नहीं आती है और ना ही त्यौहार के कारण कोई निर्णय लिया गया है। देखिए, हर विषय पे राजनीति मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, लोगों की जान पहली प्राथमिकता है, जान है तो जहान है, जान है तो त्यौहार है, इसमें सरकार का तो कोई हित होता नहीं है ना। सरकार जो भी कर रही है वो आम जन के लिए कर रही है और सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती है। घरों के अंदर किसी को कोई त्योहार मनाने से रोका भी नहीं गया है। हमने तो हाथ जोड़ के बहनों से भी निवेदन किया कि ई राखी के द्वारा मना ले। इसलिए कोई भी धर्म अपने घर के अंदर रहे, घर के अंदर जैसे त्यौहार मनाना है मनाए, मैंने उनसे भी कहा था कि घर के अंदर मनाए। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के मतपत्र से चुनाव की मांग को हार के पहले की हताशा बताया और कहा, मतपत्र से कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा है। मिश्रा ने बताया कि ईवीएम से चुनाव ज्यादा सुरक्षित और बेहतर है। अब ये हार के पहले की हताशा बताती है। अब मेरा उनसे सवाल है कि ईवीएम उंगली एक बार लगेगी, ये वो कहते हैं, उसी पे दूसरी बार लगेगी, तो जो मोहर लगाएगा उस पे, तो क्या हर जगह 1500 या 2000 मोहर रखनी चाहिए क्या, जो डस्टबिन में डालते जाएंगे उस वो, इसमें तो अकेली उंगली लगेगी, मोहर में तो मुट्ठी लगेगी, इसमें एक उंगली लगेगी, उसमें 5 उंगली लगेंगी, मोहर को वो बार बार जो लगाएगा आके, मोहर तो वो एक ही होती है। मेरे ख्याल से जो भी उनके सलाहकार हैं उनको उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।